भाई लोग, अगर आपकी पॉलिसी इशू आ रहा है भाई, बहुत आसानी तरीके से हटाऊंगा, पर जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करना। अगर सी पॉलिसी पे जाओगे और रिक्वेस्ट करने दे रिव्यू कर दो भाई, कभी आपकी पॉलिसी इशू नहीं हटेगा। पहले बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो भाई लोग कर देते हैं रिव्यू में भेज के, क्योंकि रिव्यू में भेजोगे तो क्या आता है पता है, रिव्यू कंप्लीट भाई पे लिखा है। अगर आपने रिव्यू में भेज दिया, अगर ये मिस्टेक की तो कभी मोनेटाइजेशन नहीं होगा। अगर जो मैं स्टेप बताऊँ अगर वो फॉलो किया तो भाई ये देखो, क्लिक करता हूँ पॉलिसी इशू बिल्कुल हट चुका है। ऐसे मैंने कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में भाई, बहुत आसानी तरीके से। पहले उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, 80,000 फॉलोवर भाई, जो कहते हैं व्यू वायरल नहीं होती, 80,000 फॉलोअर कोई हलवा नहीं होता करना, ठीक है। बट ये देखो भाई साहब, एंगेजमेंट रीच मेरी देखो कितनी जा रही है भाई, कितनी हाई अपने आगे देख लो यार, मतलब रीच भी दिखा रहा हूँ आपको, एंगेजमेंट कितना हाई है, 2-2 मिलियन प्लस जा रहा मेरा, ठीक है। ये देख लो भाई, सबसे पहले अब मैं आपको बताऊँ पॉलिसी इशू हटाते कैसे है। पहले मेरा आप इस पेज को देख लो जो 80,000 रुपए मैंने कैसे हटाया भाई, लाइव स्ट्रीम की मैंने क्या क्या किया, मैं आपको सब क्राइटेरिया बताऊंगा। आपको सबसे पहले तो बताना लाइव स्ट्रीम जरूरी है, अगर आप डेली लाइव स्ट्रीम करोगे तो भाई एक ना एक दिन तो वो हट जाएगी। प्लस आपको डेली वीडियो डालनी है, डेली वीडियो डालनी प्लस डेली लाइव स्ट्रीम करनी, इतना तो आपको फॉलो करना और डेली पेज को ओपन करना है, क्योंकि ये 3 से 4 मेन चीज होती है। अगर ये आप चीज फॉलो करोगे तो आपका भी पॉलिसी इशू आसानी से हट जाएगा, ठीक है। इस पॉज पे पॉलिसी इशू हट गया। अब मैं आपको वो वाला पेज दिखाता हूँ जिस पर पॉलिसी इशू है। ये देखो, 1 जुलाई को स्टार्ट किया, मतलब ये परसों मैंने चैनल क्रिएट किया, उस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मोनेटाइजेशन पे, उस पर पॉलिसी इशू दिखा रहा है भाई। ये बताओ अब मैं इस चीज को, अगर मैं पॉलिसी इशू पे जाकर क्लिक करके रिव्यू अनदर कर दूंगा ना भाई, रिव्यू और टिक लगा के, तो भाई मेरा कभी मोनेटाइजेशन होगा ही नहीं ये पेज, ठीक है भाई साहब। रिव्यू कंप्लीट लिखाएगा पर वो कभी जिंदगी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर ये भी आपने सबसे बड़ी गलती यही होती है, सारे भाई लोग करते थे, ये गलती कर दी तो भाई कभी मोनेटाइजेशन नहीं होगा। ये गलती आपको नहीं करनी, आपको डेली लाइव करना है, डेली वीडियो डालनी और डेली पेज को ओपन करना, ये सबसे मेन क्राइटेरिया। देखो यार मैंने कितनी लाइव की भाई, मैं डेली लाइव करता हूँ जब मेरे पॉलिसी इशू हटा। अगर आपको भी हटाना तो भाई ये स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेंगे। तो वीडियो थोड़ी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मैंने बता दिया कि कैसे हटाता भाई, बहुत सिंपल तरीका था, डेली लाइव तो कर भाई लोग। अगर चैनल पर पहली बार है तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो भाई, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। किसके ऊपर वीडियो चाहिए नेक्स्ट बता दें।